मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में आज नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित एक कार्यक्रम हो रहा है। वह भी जो नई शिक्षा नीति का जो थर्ड बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसके इस अवसर पर हमारे केंद्रीय विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। CBSE के नियम के अनुसार हमें इस अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में हमें नोडल सेंटर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ इस अनुगुल के हमारे सभी प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य, नवोदय के प्राचार्य जो चंपाती मुंडा अनुगुल से हैं उनको बुलाया गया है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हमारे यहाँ सेंटर बना हुआ है और इसमें आने वाले लोगों में से हैं नवोदय के प्रिंसिपल SS बराल सर, सुष्मिता प्रधान मैडम KV नंबर 2 अनुगुल से आई हुई हैं, KV NTPC कन्या से हमारे NK पिंगुआ सर आए हुए हैं, KV सुभद्रा से उमा गौतम मैडम आई हुई हैं और KV MCL जगन्नाथ से गीता पांडे मैडम आई हुई हैं। और हम लोग सभी एकजुट हुए हैं यह जानने के लिए, इस पर छानबीन करने के लिए कि यहाँ हमने नई शिक्षा नीति के जो प्राथमिक शिक्षा में जैसे निपुण से संबंधित जो बाल वाटिका जो जो पॉलिसीज में इंक्लूड किए गए थे वो अब तक उसको मतलब प्रैक्टिकल शेप दिया गया है या नहीं, क्या क्या गतिविधियाँ विभिन्न विद्यालयों में हो रही हैं, इन सब से संबंधित जानकारी के लिए उनके ऊपर एनालिसिस करने के लिए, उन पर विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे ही विद्यालय के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। मैं इस अवसर पर सभी प्रेस साथियों को, प्रेस रिपोर्ट के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि वे भी इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराने में हमारे साथ हैं। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सबको, धन्यवाद सर। दिस थर्ड एनिवर्सरी ऑफ NEP 2020, इट इज़ वन ऑफ द इवेंट दैट इज व्हाट एवरी ईयर इट इज जस्ट गिविंग वन एनालिसिस दैट व्हाट इज इट इज गोइंग ऑन दैट वन ईयर एनालिसिस इट इज नथिंग बट इट इज वन ईयर एनालिसिस दैट व्हाट एवर द पॉइंट्स इट वॉज व्हाट इन अवर टारगेट दैट NEP 2020 इट इज गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट, इट इज रिमाइंडिंग यू द डिफरेंट पॉइंट्स, द डिफरेंट एजेंडा ऑफ NEP 2020 एंड दैट the focus on particularly the play-based learning, the child-centered learning and the skill education, lot of this whatever the new education structure 5+3+3 whatever the education structure it is going on, it is properly or not, this is what it is giving you the one kind of what review of this what the policy system. आज बड़ी हर्षित महसूस कर रहा हूँ इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए और हम केंद्रीय विद्यालय में NEP 2020 को लेकर के नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग बच्चों को 21st सेंचुरी स्कूल स्किल से संबंधित सभी स्किल्स डेवलप कराने में मदद करा रहे हैं और उसके साथ ही राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और बच्चों को जितने भी सीखने की कला है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें सभी तरह के विद्यार्थी एक विद्यालय में एक जैसे क्लासरूम में अपने शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इस तरह से हम जितने भी नई शिक्षा नीति से संबंधित क्रियाकलाप है उसको हम लोग संपन्न कराने में सफल हो पा रहे हैं। इसमें हमारे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्ले मेथड के हिसाब से बच्चे जितना भी अपने आप को खुल के लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कराने के लिए असेंबली में अपना सारे विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को निखारने के लिए जितने भी खेल हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे साइंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो करके अपने आप को स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसे चीज़ों को अपने आप को अपना रहे हैं।